गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्योति बिजवाल। और आज हम जा रहे हैं, तो वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और अभी मैंने सामान पैक कर लिया, मैं सुबह उड़ी थी 5:30 बजे, तो मैंने थोड़ा अपना घर थोड़ा सफाई वफाई करी, झाड़ू पोछा लगाया मैंने, और थोड़ा बच्चों के लिए दूध दूध गर्म कराया। और अब मैंने सामान, मेरी पूरी पैकिंग हो गई है, अब हम जाने की तैयारी करें, तो आपको रास्ते का सफ़र दिखाएंगे, मिलते हैं। तो गाइज़, अभी हम रास्ते पे हैं और हमारा गोलू सोया हुआ है, यहाँ पे लेटा हुआ है ये, और ये मोनी गोद में है। मोनी के पापा गाड़ी चला रहे हैं, यहाँ से सनलाइट दिख रहा हुआ। हे गाइस, अभी हम यहाँ पहुँच चुके हैं अपने घर। तो हम आए हैं उत्तराखंड हल्द्वानी गोलापार। तो मैं अपने मायके आई हूँ गाइस, तो मैं साल भर में एक बार आती हूँ, तो मुझे एक साल बाद आई हूँ आज। और अभी पहुँच चुके थे हम 1:30 बजे पहुँच गए थे, हम 1:30 में पहुँच गए थे हम। और फिर हमने खाना ना खाया, थोड़ा आराम भी कर लिया है। अभी बज गए हैं 3:30। तो गाइस, अब देख सकते हैं मोनी ने आके पूरा घर का राउंड भी मार लिया है, और गाय भी देख लिए इसने, कुत्ते भी देख लिए इसने, डॉगी, और पूरा घर का राउंड मार रही है। और हमारे यहाँ आम का पेड़ है, ये आम का पेड़ है हमारा, तो ये आम के पेड़ में भी अभी आम देखने भी गई थी ये, तो आम तो नीचे गिरे हुए हैं, लेकिन ये कह रही ऊपर के आम चाहिए हमें अभी से मोनी। तो गाइस, अभी मैं अपनी मम्मी को दिखाती हूँ, आपको अपनी मम्मी से मिलवाती हूँ, तो बने रहिए आप हमारे साथ। तो ये मेरी मम्मी है, और ये गोलू है, और ये है मेरी सिस्टर भाभी। ये सिस्टर भाभी ब्लॉग में। गाइस, आप देख सकते हैं मोनी का डांस चल रहा है, हमने खाना खा लिया है, तो मोनी अभी यहाँ पे डांस कर रही है, आप देख सकते हैं। अच्छे से करो बेटा डांस, हमने खाना खा लिया है। अभी खाने के बाद हम थोड़ा ऐसे मस्ती कर रहे हैं, और बाहर हवा चल रही है, नेचुरल हवा है यहाँ पे, कोई बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें, उत्तराखंड की नेचुरल हवा है यहाँ पे। यहाँ पंखे की जरूरत नहीं पड़ती, पंखे की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती है, पंखे ही नहीं है, गोला किनारे जबरदस्त हवा है। गुड मॉर्निंग, अभी सुबह के बज गए हैं 9:30, और हम अभी उठे हुए हैं, क्योंकि कल की पूरे सफ़र में थकान हो गई थी, तो हम दिन में भी थोड़ा रेस्ट नहीं करा था, तो रात को ही किया हमने। और अभी देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, सुबह का हवा चल रही है यहाँ ठंडी ठंडी, और ये सब लोग बैठे हुए हैं हमारे यहाँ, आप देख सकते हैं।
मुनी हाय बोलो बेटा, मुनी हाय गाइस, हेलो गाइस, तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ का ब्यूटीफुल नज़ारा। वो पापा आ रहे हैं हमारे, ये हमारा मकान है आप देख सकते हैं। मम्मी मम्मी गाड़ी खड़ी हुई है हमारी। गाइस ये देखिए मोनी बैठी हुई है झूले में, हम इसके लिए झूला लेके आए हैं ये, और ये झूल दिए यहाँ पे। मोनी कैसा लग रहा है आपको, हैं अच्छा लग रहा है? सभी बज गए हैं दिन के 12, तो अभी मैंने नहाया भी नहीं है, नहाने की तैयारी हो रही है। तो अभी बच्चों को नहलाया है हमने, और ये मम्मी बैठी हुई है। अभी हम पेड़ के नीचे आराम से, कटहल का पेड़ है ये पीछे, और इसके पेड़ के छाए बैठे हुए हैं, और आराम से हवा, इतनी तेज़ हवा चल रही है जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, इतनी तेज़ हवा आ रही है यहाँ। और ये मेरी मम्मी बैठी हुई है, और मम्मी बात करेंगी कुछ आपसे। हेलो गाइस, मेरी लड़की आई है, ये 10 बजे उठती है, इसके बच्चे रात को नींद में घूमते हैं, ये घराशर घराशे लेती है, और ये इसका नाश्ता पानी, ये 12 बजे 11 बजे नाश्ता पानी हो रहा है इसका, सुबह नाश्ता बनाया है इसने। और अभी कल रात आलू की सब्ज़ी बनाई थी हमने, अच्छी होती बहुत ही ज़्यादा, गाँव की आलू की सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। यहाँ ज़्यादा जैसे हम लोग शहर में क्या करते हैं, ज़्यादा मसाले वसाले डालते हैं, तो उस हिसाब से हमने मसाले नहीं डालते, सिंपल सब्ज़ी बनाई थी, बहुत ही स्वादिष्ट सब्ज़ी हो रही थी। क्योंकि क्या है, गांव का पानी जो है बहुत अच्छा होता है, नेचुरल पानी, नेचुरल हवा होती है, तो उससे भी खाना बहुत अच्छा बनता है। जैसे कि हम लोग शहर में इतने मसाले डालते हैं उसमें, तो भी खाना अच्छा नहीं बनता है। तो मैं तो इतने मसाले डालती हूँ तो भी उतना खाना अच्छा नहीं बनता जितना यहाँ आके बनता है। इसके पापा को बहुत अच्छी लगी सब्ज़ी, उन्होंने 2-3 कटोरी सब्ज़ी खाई और खाना खाया, और यहाँ आके कुछ नहीं खा रहे हैं वो, नहीं खाना तो खा रहे हैं लेकिन आलतू फालतू का चीज़ नहीं, जैसे कोल्ड ड्रिंक नहीं पी रहे हैं, तो पानी तो बहुत ज़्यादा पी रहे हैं वो, पानी बहुत पिया उन्होंने, पानी बहुत अच्छा है यहाँ का। तो तब आप देख सकते हैं गाइस कितनी हरियाली है यहाँ पे। अभी हम बैठे हुए हैं और गप्पे मार रहे हैं, इतना अच्छा लग रहा है गाइस, नेचुरल जगह, ऐसे नेचुरल जगह में बैठे हैं, इतना अच्छा लग रहा है। लड़कियाँ आती हैं तो कितना अच्छा लगता है, रौनक हो जाती है, रौनक हो जाती है लड़की घर में, हैं नाती पोते भी आते हैं, नाती पोते भी आए हैं, नाती को नहलाया, एक नातिनी को नहलाया, अभी नहलाया, नानी नानी करके पीछे पीछे लगी रहती है, नाती हमारे हमारे वहाँ दो कुत्ते हैं, वो मेरे पीछे पीछे लगे रहते हैं, डॉगी 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 डॉगी, एक भालू भालू है, भालू नाम है और एक का जैकी नाम है, जैकी नाम है, एक भालू है, डॉगी है, टाइगर, एक का नाम टाइगर है, एक का नाम भालू है। और देखिए गाइस कितनी हवा चल रही है यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है भैया, अंदर गर्म हो रही है लेकिन बाहर बहुत अच्छा लग रहा है, ठंडा बिल्कुल। यहाँ से नैनीताल गाइस 1 घंटे का रास्ता है, अगर हम नैनीताल जाएंगे, गर्मी दिनों पेड़ के नीचे बैठ के भी बाजार जाने का मन नहीं कर रहा है, मार्केट जाने का मन नहीं कर रहा है। वैसे तो बहुत धूप है लेकिन पेड़ों के नीचे बैठा तो नेचुरल हवा है, इतनी तो कूलर से भी हवा नहीं आती होगी जितनी यहाँ हवा चल रही है, आप देख सकते हैं। ये गाइस आप देख सकते होंगे पेड़ कितने हिल रहे हैं ये, और ये जो पीछे है ये सब आम का बगीचा है हमारा, आप देख सकते हैं गाइस, और ये घर है,